हिसार के सतलोक आश्रम प्रकरण मामले में मुकदमा नंबर 429 430 मामलों में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डी आर चालिया ने केंद्रीय कारागृह एक में चली अदालत की कार्यवाही में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। दोनों ही मामलों में अदालत ने रामपाल सहित अन्य को दोषी करार दिया और इसकी सजा 16 व 17 अक्टूबर को सुनाई जाएगी। बता दें, पुलिस ने 19 नवंबर 2014 को मुकदमा दर्ज किया था। अदालत ने आज धारा 302, धारा 120 एवं अन्य धाराओं सहित उन्हें दोषी करार दिया। आज रामपाल को कड़ी सुरक्षा के बीच केंद्रीय कारागृह 2 से हिसार के सेंट्रल जेल 1 में कड़ी सुरक्षा के बीच पेश किया गया और जिसके बाद अदालत ने अपना फैसला सुनाया। इसमें एफआईआर नंबर 429 में सभी दोषियों को दोषी करा दिया गया। सभी को सेक्शन 302 सेक्शन 343 एंड 120 बी में। कितने आरोपी थे? एफआईआर नंबर 429 में 15 थे और 430 में 14। सर थोड़ा इस तरफ आगे की क्या वो डेट रखी है सर? कुछ 16 सर 429 में मंडे को और 430 में ट्यूजडे को, बाकी जो उसके बाद। बता दें, रामपाल को दोषी करार दिए जाने के बाद किसी भी तरह का कोई तनावपूर्ण माहौल नजर नहीं आया। वहीं रामपाल के अधिवक्ता एपी सिंह ने आरोप लगाया कि केंद्रीय कारागृह में सुनवाई के दौरान उन्हें रोका गया, जो कि सरासर गलत है। इतना ही नहीं, उनके आते समय 10 बार चेकिंग भी की गई, जिससे वो काफी नाराज दिखे। धारा 144 लगाना अच्छी बात है। संत रामपाल दास जी का कोई फॉलोअर हिसार में नहीं है। हम लोगों ने साफ तौर पे कह दिया, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करिए। लॉ एंड ऑर्डर हमारा है, हमारा देश है, हमारा हिसार है, हमारा हरियाणा है। कहीं भी कुछ गलत नहीं होना चाहिए, इसलिए कोई, आप देख रहे हैं, कोई फॉलोअर्स नहीं यहाँ आया हुआ है। ये लाइन ऑर्डर मेंटेन करना हमारी सबकी जिम्मेदारी है। देश हमारा सबका है, केवल हरियाणा सरकार या हरियाणा पुलिस का ही नहीं, इस देश को हम सबने सींचा है, सबको सबने इसको बढ़ाया। एपी सिंह जी, ये बताइए आप यहाँ पहुँचे हैं, क्या परेशानी हुई यहाँ पर आकर? लगातार 10 बार रोक ली गई गाड़ी, मतलब काला कोट पहनना गुनाह हो गया। अगर मैं शायद सिविल ड्रेस में होता तो इतना नहीं होता कि नहीं लोग बात कर रहे हैं कि तो एपी सिंह रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रामपाल या और किस? रामपाल जी को कर रहा हूँ और सभी है उसमें, तो सारे फॉलोअर से उनके कोई बाहर नहीं है। लिस्ट में नाम नहीं है, क्या साजिश रची जा रही है? लिस्ट में नाम वहीं से शुरू हो गया, बॉर्डर से रोकना शुरू कर दिया गया। आप भैया साहब से बात करें, सुप्रिंटेंडेंट से बात करें। आप अगेंस्ट हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई के? जी हाँ, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई वाला मैटर नहीं था बिल्कुल। ये संत रामपाल दास जी को सामने होना चाहिए। संत रामपाल दास जी ने समाज को बनाने का काम किया है, इस समाज को जोड़ने का काम किया है, जाति को खत्म करने का काम किया है, दहेज रहस्य शादियों का काम किया है, नशा को खत्म करने का काम किया है। नहीं, 11:30 बजे का टाइम था, मैं पहुंच रहा हूं, भी पहुंचने में मुझे इतना रोक लिया गया। अब आप देख रहे हैं किस तरह से लिस्ट आ जाती है, ये कहा जाता है आई कार्ड, जानते हैं सब, केपी सिंह है। लेकिन फिर 429/14 और 430/14 302 इन दोनों में 302 जिसमें आंसू गैस के गोले से दम घुटने से मौत हो गई थी। अनुयायियों की जो संत रामपाल दास जी के आश्रम में थे, अनुयायियों की जो एक्सपायर्ड आंसू गैस के गोले चले थे, उनसे मौत हो गई थी। इसमें कितने गवाह पेश हुए, अगर आपको ध्यान? नहीं, गवाहों की तो अलग अलग लिस्ट है, दोनों की केस है, वो डिटेल की बात। ठीक है। सरकारी अधिवक्ता राजीव सरदाना ने बताया कि रामपाल मामले में मुकदमा नंबर 429 व 430 के मामले में अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए रामपाल सहित अन्य को दोषी करार दिया है। आपको बता दें कि सुरक्षा के मद्देनजर रामपाल के फैसले को लेकर हिसार जिले की सभी बाउंड्री सील की गई थी। चप्पे चप्पे पर पुलिस ने पैनी नजर रखी हुई थी। वहीं रामपाल के फैसले को लेकर हिसार को पुलिस छावनी में तब्दील किया गया।